हिजाब को लेकर विवाद, कब मिलेगी हिजाब विवाद पर सहमति। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कर्नाटक से हिजाब को लेकर एक विवाद शुरू हुआ है, लेकिन इस पर अभी तक भी सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन इसको लेकर जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हो या फिर वैसे ही, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो जो नेता हैं वो इसको लेकर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। अगर अभी हाल ही की बात करें तो यूपी में दूसरे फेज के चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले ही जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस पर हिजाब को लेकर एक बात शेयर की है। उन्होंने बोला है कि सभी स्कूलों में ड्रेस अनिवार्य कर दी जाए, क्योंकि अगर बात करें तो जब बच्चे एक ही ड्रेस में आएंगे तो इससे शांति बनी रहेगी और जो बच्चे हैं वो अपने आप को एक समान समझेंगे। अगर वही दूसरी ओर बात करें तो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि हिजाब जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो महिलाएँ हैं वो अपनी सुंदरता को ढकने के लिए हिजाब पहनती हैं और इससे रेप जो होते हैं उनकी भी संख्या कम हो जाती है। यानी कि इससे साफ साफ ये पता चलता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि हिजाब पहनने से जो रेप की संख्या वो कम होती है। अगर वहीं दूसरी ओर बात करें तो सोनम कपूर है, उन्होंने भी इस पर लेकर एक बात कही है। उन्होंने एक अपने ट्विटर हैंडल पर एक बात शेयर की, उन्होंने कहा है, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें एक तरफ उन्होंने एक सरदार की फ़ोटो रखी और दूसरी तरफ उन्होंने एक हिजाब पहने महिला को दिखाया। उन्होंने ये कहा है कि जब एक सरदार जब पगड़ी पहनकर सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है तो वहीं दूसरी ओर महिलाएं हिजाब पहनकर स्कूलों में प्रवेश क्यों नहीं कर सकती। अभी इसी को लेकर काफ़ी वो सुर्खियों में भी आई और इस पर उनका जो विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन अभी देखने वाली बात ये रहेगी क्या हिजाब मामले पर ऐसे विवाद चलता रहेगा और कब तक सहमति बनेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फिर से सुनवाई होने जा रही है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता हैं, वो हिजाब को लेकर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कब तक इस मुद्दे पर सहमति बनती है और कब यह विवाद खत्म होता है। अभी तक के लिए इतने, बने रहिए कैमरा पर्सन सिमरन के साथ। मैं अंजलि, एसीपी नेटवर्क, पानीपत।